पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शनिवार को संपन्न कराई दी गई। आपको बताते चले कि इन परीक्षाओं के लिए मुरादाबाद में 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद जहां विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी, वहीं शिक्षा विभाग ने भी राहत की सांस ली है। पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न कराई गईं। आपको बताते चलें कि मुरादाबाद में 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जारी थी। 3 मार्च को हाईस्कूल की परीक्षा संपन्न हुई तो वहीं 4 मार्च को इंटर की परीक्षा भी सभी केंद्रों पर संपन्न हुई है। परीक्षा संपन्न होने के बाद जहां शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली है तो वहीं सभी विद्यार्थी फूले नहीं समा रहे थे। जनपद मुरादाबाद में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए 113 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षाएं संचालित हुई और 4 मार्च को संपन्न हुई। परीक्षा संपन्न होने के बाद सभी परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों ने जमकर होली खेली और खुशी का इजहार किया। सभी का ये कहना था कि शांतिपूर्ण माहौल में हमारी परीक्षा संपन्न हुई और सभी परीक्षाएं अच्छी हुई। आज इंटर की परीक्षा का अंतिम पेपर था। अंतिम पेपर संपन्न होने के बाद सभी बच्चों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी और कहा कि जो शिक्षकों ने हमें पढ़ाया था आज वह काम आया और हमारी परीक्षाएं बहुत अच्छी गईं। परीक्षाएं संपन्न होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने भी मुरादाबाद के सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी शिक्षक, केंद्र व्यवस्थापक और उड़ाका दल के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे का कहना था कि सभी के सहयोग से परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, जिसके लिए सभी का आभार है। समाजशास्त्र बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया। कितना कितना गया? आगे चल के देश को संभालेंगे, आर्मी में जाएंगे। हाँ जी, होली पे आप मजा लेंगे। पेपर बहुत बढ़िया था, बहुत आसान था, बहुत बढ़िया था। 4 बजे हो गया, 4 बजे क्या क्या कह रहे हो? अब क्या आगे बेटे करेंगे? सर लक्ष्मी सिंह नाम है मेरा। सर मेरा सोशल साइंस का पेपर था जी, बहुत अच्छा रहा पेपर जी। सर आगे तो डॉक्टरी करने का प्लान है जी। जी सर, होली का त्यौहार तो खुशी से मनाया जाएगा, पेपर खत्म होने की खुशी है जी सर। होने का गम है, पास होने की खुशी है। दोस्तों से भी यही बोलना चाहूंगा कि होली हंसी खुशी से मनाई जावे और घर परिवार में ही मनावे।